वेलकम दोस्तों, मैं ये सब खरीद हूँ। अभी काम शुरू भी नहीं किया, अभी से पसीने आना शुरू हो गए। और अभी जो है गाड़ी का इंजन साफ़ होगा, इतना ख़राब नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने कहा साफ़ कर लेता हूँ। गारंटी तो आपने देखी थी उस दिन, मैंने आपको दिखाई थी वीडियो में, शायद इतना ख़राब नज़र नहीं है। ये जो है ज़्यादा ख़राब है, ये तो थोड़ा थोड़ा सा पीलापन है गाड़ी में ना, जैसे ये देखिए। आपको बताऊँगा अभी कि कैसे साफ़ हुआ है। सीट कर इसके मैंने उतार दी, ओरिजिनल लेदर क्योंकि होता है तो मज़ा कर रहा है। वकील भाई ने बोला मून रूफ ओपेंड, हाँ मैं पता है भाई इसके के लिए खोला है। अच्छा वकील भाई ने बोला कि ये अच्छे होते हैं, इसलिए आप इसके जो है ना आफ्टर मार्केट सीट कर उतार दो। सामान कहाँ पड़ा हुआ है, ये होता है सामान पूरा, और चेक कराता हूँ। ये फोम वगैरह अप्लाई करने के लिए पॉलिश, ये ब्लैक एस्टोनिश का ब्लैक शाइन, ये इंटीरियर की सफाई के लिए भाई से ले रहा है, इंटीरियर की सफाई नहीं, इंटीरियर को ड्रेसिंग करने के लिए ड्रेसिंग फैंसी लफ्ज़ है, ये पॉलिश है इंटीरियर की, इससे हम इंजन को साफ़ करेंगे। करने का तरीका क्या है वो आपको मैं बताऊँगा। ये इंटीरियर की बची हुई पॉलिश है, काला साबुन पड़ा हुआ है, स्प्रिंग शाइन पड़ा हुआ है। ये हमारा कार गाय का बैग, ये चाहिए हमें आज। ये सफाई का टॉल है पूरा, बुरशे तो अलग रखे हुए हैं, ये अलग है, ये सारे अलग हैं। शुरू करते हुए आपको बताता हूँ, इंजन बे में अंदर कंप्यूटर होता है किसी गाड़ी में, तो उसको आप ऐसे छुपा लो या उसके ऊपर कवर लगता है। मुझसे गलती होगी, भूल गया मैं कवर लगवा देता, जान छूट जाती, थैली नहीं लगानी पड़ती, सेफ्टी है ये। पहले इसको धोना पड़ेगा पूरे को गीला करके, स्प्रे लगाएंगे, फिर ब्रश से साफ करेंगे। ये घर का हल्का प्रेशर, बिल्कुल देख रहे हैं कैसे मिट्टी आ रही है। एक और हाथ भी इसको लगेगा, शीशे की टेंशन नहीं लेनी, वो साफ कर लूँगा मैं बाद में। ये ग्रिल भी खोल रहा हूँ, प्लास्टिक वाली है ना, अंदर देखिए वाइट कैसा निकला है, वो है पूरा पीला हो रहा था। भाई इंजन तो ओके हो गया माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं
अंदर आप थोड़ा गौर करें, ये कपड़े के निशान है, ये कपड़ा लगेगा ना जहाँ तक हाथ जाएगा। ओके कर लूँगा। अंदर देखो ये जो शील्ड है ना पूरी ब्लैक वाली, वो चमका दी। ड्रेसिंग कोशिश करूँगा नहीं करूँ, फिर वो मिट्टी पकड़ेगा। ये देखें बोतल वोटल सारी ओके हो गई, कोई चिपचिपापन नहीं हुआ, ओके हो गया बिल्कुल, और तो ओके था। बाकी ये देखें ये बिफोर है, देख रहे हैं अंदर पूरा भरा हुआ है। पहले उसको धोऊंगा फिर पूरे को साफ करता हूँ। भाई आप देख सकते हैं अंदर से नीट एंड क्लीन हो गया बिल्कुल भाई, अलहमदिल्ला इंजन ओके हो गया। पानी वानी आप देख रहे हैं ना, उसको हम छोड़ देते हैं और ड्रेसिंग इसको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं ये खुश्की, ये खुश्की, और जहाँ भी खुश्की है उसके आप टेंशन नहीं लो। बाकी ये देखो 0 मीटर जा रहे, गाड़ी नहीं है तो प्लास्टिक फेड नहीं होता उसका, नई गाड़ी का। बाकी ओके हो गई ये पूरी, कपड़ा मारा इसको अंदर से भी नीचे ऊपर सारी। अभी पीछे का सीन आपको बताता हूँ क्या। एक्स बम्पर वाली जो करोला है उसका पिछला जो बम्पर का ये हिस्सा होता है, ये पीछे है गाड़ी से ही, ये पूरा फेड होता है, क्या बोलते हैं मेट, मतलब एक कलर नहीं होता, ये प्लास्टिक होता है खुद। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि ये फेड हो जाता है जल्दी, तो उसको रिस्टोर या क्या बोलते हैं हाँ जो भी है किसे करें, तो अभी आपको चेक कर रहा हूँ। ये यूज़ करेंगे एस्टोनिश का कार केयर ब्लैक शाइन रिस्टोर फेडेड एंड ग्रिल डल ट्रिम्स पंपर एंड टायर्स। टायरों पे तो बहुत ज़्यादा यूज किया है, एक साल से ऊपर है मेरे पास। सीधा सीधा या तो उसको ले तो गाड़ी साफ हो सही, या तो उसको स्प्रे कर लो या तो फोम पे लगा के वो कर लो। स्प्रे से क्या है कि दूसरी जगह लगेगा, फोम में दूसरी जगह नहीं लगेगा, दूसरी जगह ऐसे जैसे इसको मैंने यहाँ स्प्रे किया, उसको मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, अब ये ऊपर नहीं गया। अगर स्प्रे करता तो ये ऊपर भी स्प्रे जाता, डिटेल नहीं करता आपको यहाँ से 50-50 शॉट दिखाता। थोड़ी देर सूखे फिर देखते हैं। भाई आप देख सकते हैं जहाँ मैंने अप्लाई किया था बिल्कुल ओके है, सही है, सूख भी गया है। तरीके से लगाऊंगा उसको वैसे, पर अभी आपको सिर्फ चेक करा है। अभी थोड़ा सा गीला है, वैसे चिपचिपा नहीं होता एस्टोनिश का जो है ना, चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे सूखेगा सारा ये डल चला जाएगा इसका। दूसरे पे हम स्प्रे कर लेते हैं। थोड़ा ज्यादा लग गया ये, वीआईपी हो गया। इंजन को ड्रेसिंग करने का तरीका भी यही है, यही वाला हम लगाएंगे एस्टोनिश का, इससे जो खुश्की है सारी ख़त्म हो जाएगी। लगा के गाड़ी को एक दो दिन छोड़ना पड़ेगा कि ये जब्स कर ले, चलाएंगे फिर मिट्टी पकड़ेगा फिर मज़ा नहीं आएगा। एक दफ़ा जब्स कर लिया जान छुट्टी। इधर भी सेम टू सेम तरीका है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा एस्टोनिश को फ्री ज़्यादा करेंगे, स्प्रे ज़्यादा करेंगे ताकि जब्स कर ले। ज़रूरी नहीं है कि
हर जगह लगाएं, जहाँ जहाँ नीट है जहाँ नीट है भर देते हैं। बाकी कहीं ये इफ्तारी तक लोग खींचेंगे तो आपको इंशाल्लाह उसका जब सूख जाएगा ना तब भी रिजल्ट दिखाऊंगा आपको। ये भी आप देखें, अच्छा वैसे आज आखिरी रोज है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप सबकी क्या कहते हैं, ये मेन चीज ये है। भाई देखो कैसा ओके हो गया, जैसे इसको हवा हवा लगेगी ना खुद ही इसके बुलबुले से सारे चले जाएंगे। ठीक है तो हो गया ओके। अब हम जो है पीछे थोड़ा ध्यान करके आते हैं कि क्या हुआ जो हमने लगाया था ना। भाई ये आप पीछे देख सकते हैं कोई हाथ पे नहीं चिपक रहा मेरे, ओके हो गया बिल्कुल। पूरा 1.5 घंटा मैंने इस पर लगाया, अभी 7:12 हो रहे हैं। 1.5 घंटा या 1.25 घंटा पूरा उस पर इंजन पे लगा है, गाड़ी को वॉश नहीं किया वरना अपनी टांगे काम जाएंगी, काम पे टांग जाएंगी, सॉरी सही बोल रहा हूँ फजूल में। पीछे भी वो सही हो गया या आगे, पीछे तो खैर आपकी आपके लिए किया था क्योंकि इंस्टा पे मुझे 2-3 लोगों ने पूछा था कि इसका हल क्या है, वो मैंने देखा है और इंजन ओके हो गया सही। स्प्रे हम्पर ने जो लगाया है वो और सनरूफ खुला हुआ है तो गाड़ी कितना रोब में है पीछे से, शेप तो उसका खूबसूरत है वैसे। ओरिजिनल सीट कवर के ऊपर से सीट कवर उतारने की रीज़न क्या थी तहर भाई? भाई देखो मैं खुद हूँ वहमी थोड़ा सा ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सीट कवर अंदर से गंदे होंगे या कोई होल होगा या फटे हुए ना हो, तो इसलिए मैंने उतारे। और मैं जिसको बेचूँगा तो उसके भी सामने सारी चीज़ें क्लियर आ गई, आप देख सकते बिल्कुल ओके है। ज़ाहिर वो हिफाजत में था ना, उसके अंदर था तो उसको ना मिट्टी लगी ना पानी लगा ना धूल, ओके हो गया। अभी 8:30 बज रहे हैं, रोज़ा वोज़ा खोल लिया है सारी कर ली, मिट्टी का तूफान है मेरे ख्याल यहाँ पे। सुबह तो आपने देखी थी गाड़ी कैसी हो रही थी, अभी देख लो फुल मिट्टी, टायर बादशाह फुल गंदी हो रही है। शशका इंजन रूम चेक कराता हूँ आपको, जो कहा था ना मैं, अभी इतनी मिट्टी हो रही है, गेट खोला वो भी उसमें भी पूरी मिट्टी, ये देखो भाई ये इंजन रूम आप देखें, फ्लैश लाइट ऑन है उसमें सारा गंद कचरा नज़र आ जाता है, देख रहे हैं, और चिपचिपा भी नहीं हो रहा बिल्कुल ओके माशाल्लाह। मिट्टी के तूफान ने हमारी गाड़ी को बाहर से तो पूरा गंदा कर दिया, अंदर से बचत हो गई, शीशा साफ करते हैं। ओके हो गया, नज़र तो आया कुछ, अबे इसमें ऑटो रेन सेंसर लगा हुआ है, पानी गिरेगा अभी वाइपर चलते रहेंगे। जा रहा हूँ भी हैदराबाद, बताता हूँ क्यों। 8:55 हो रहे हैं, शहदारपुर से निकल गया हूँ और क्या कहते हैं अभी जा रहा हूँ हैदराबाद। हैदराबाद इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि गाड़ी का हो गया सौदा अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो डिलीवर करनी है वहाँ से, यार इसमें आ जाऊँगा मैं यहाँ, और क्या कहते हैं बस ये यूँ समझो कि यहाँ जो मैं आया हूँ ये बस ऐसे ही आया हूँ, शौक में आया हूँ, और इधर मैंने सोचा था कि ईद पे इसको चलाएंगे मज़ा आएगा ये वो, तो
बस अब ईद पे वो चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे, अल्लाह खैर करे, सिर्फ टोकन हुआ है, मुझे नहीं हुआ, वहाँ बजाज भाई को हुआ है, उन्होंने सेल किया, कितने में सेल किए वो हम बाद में बात कर लेंगे। और बस अभी निकल गया हूँ, निकल रहा हूँ सिद्धार्थपुर में। और इंजन रूम तो यार ऐसा हो गया यार, बेहतरीन यार। और दूसरा, पहले घासलेट वगैरह में यूज़ करता था, अभी मैं छुप के बात क्यों कर रहा हूँ, पहले घासलेट वगैरह में यूज़ करता था, सस्ते वाली गाड़ी ली है तो बोले ब्रासलेट यूज़ करता था, उसमें हाथ वाथ सारे ख़राब हो जाते थे, इसमें हाथ इतने ख़राब नहीं होते। अच्छा, इसमें एक टिप मैं आपको दूंगा, उस टाइम पे मैं जहन में नहीं आया जब बोनट खुला हुआ था, देखें जो स्प्रे मैंने लगाया ना, डिग्रीजर पता नहीं क्या नाम है, शायद नाम में गलत ले रहा हूँ, वो जो बड़ा सा लंबा सा स्प्रे था जिससे पूरे इंजन को साफ़ किया, वो आप टुकड़ों टुकड़ों में लगाएं, पहले एक टुकड़ा लगाएं फिर दूसरा टुकड़ा लगाएं, मतलब ऐसे एक राइट साइड की पूरी पूरी पट्टी लगा दी, ठीक है, उसका आपने सफाई की अच्छी तरीके से सफाई की, उसके बाद उसको धो लिया, फिर आप दूसरी तरफ गए, पूरे में माने से ही होता है, क्योंकि पहले मैं दो गाड़ियां धो चुका हूँ, साफ कर चुका हूँ, उससे कौन सी रिबर्थ और पासो मेरे पास थी, जो उस दोनों इंजन जो है मैं साफ कर चुका हूँ उससे, तीसरी ये गाड़ी थी, तीसरी में ये पूरा भी हो गया, ML पता नहीं कितना था मुझे याद नहीं। अच्छा, तो आप टुकड़ों टुकड़ों में करें, ताकि वो जो पूरे पे हम मार देते तो फिर वो सूख जाता है पूरा, फिर से वो मारना पड़ता है, ज़ाया होता है, तो ये टिप है आपको, और ये अच्छा है, दूसरा भी कोई होगा अच्छा, मुझे तो पता नहीं, पहली दफ़ा मैंने यूज़ किया अखिल भाई के कहने पे, मुझे तो मज़ा आया बहुत ज़्यादा। और यार रिव्यू का सीन नहीं होगा, अगर आज सौदा नहीं हुआ तो हो जाएगा रिव्यू का सीन, अगर सौदा हो गया तो फिर रिव्यू का सीन नहीं होगा, सॉरी आपको मैं यहाँ चलते हुए बता देता हूँ जो मेरा मुझे इसने, अबे क्या हो गया, अचानक से ब्रेकें मार देते, खैर रिव्यू आपको जो है मैं बिल्कुल ऑनेस्टली जो बातें होंगी वो आपको मैं देता हूँ इसी वीडियो में, सही है। अच्छा, उससे पहले ये कि इसमें तीन डोम लाइट्स हैं, डोम लाइट्स बोलते हैं या रूम लाइट्स आप कह लो, ये जो ऊपर लगी हुई हैं, एक बीच में सेंटर में, एक पीछे ग्रैंडे में। अच्छा, ये वाली जो है दरवाजे पर ना ऑन होती हैं ना मतलब क्लोज होती हैं, सही है। ये वाली जो लाइट है ना, ये दरवाजे पे ऑन ऑफ नहीं होती, हमें ऑन करनी पड़ती है, तो ये एक बहुत बड़ा इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। रिव्यू की बात करें हम तो भाई, ये बिल्कुल रेंडम तरीके से मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ, सही है, कोई मतलब मैंने सोचा हुआ नहीं था, जाहिर है सुबह सो गया था गाड़ी का इंजन रूम तो साफ करके, उसके बाद फिर मैं सोया हूँ, तो फिर इफ्तारी के टाइम उठा हूँ, थक गया था बहुत ज़्यादा तो उठा हूँ उस टाइम पे। और दूसरा ये कि रिव्यू भाई देखो, सबसे पहले हम अच्छी चीज़ों पे बात करते हैं, परफॉर्मेंस में गाड़ी बहुत मज़ा करती है, रात भी मैं आया हूँ आला रोड पे 160-170 खाली रोड मुझे मिला, मैंने आराम से बिल्कुल ड्राइव करा था, गाड़ी 120 क्रॉस कर जाती है पता नहीं चलता, बिल्कुल स्मूथली जाती है। और दूसरा ये कि क्रूज़ कंट्रोल में भी बहुत मज़ा आता है यूज़ करने में। तीसरा ये कि जो है वो गाड़ी की जो मतलब स्पीड में मतलब पावरफुल तो है गाड़ी, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बेहतरीन मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। और उसमें अच्छी बातें और ये कि एक तो रिलायबल है गाड़ी, जो मानना पड़ेगा, मतलब जो बात है रिलायबल है, मेरे पास इसलिए नहीं बोल रहा, पहले भी रिव्यू बनाया था उसमें आप जाके देख लो, सब मुझे अजीब वगैरह कमेंट कर रहे थे, और उसमें आप पूरी वीडियो देखेंगे, 2017-18 की गारंटी थी ब्लैक वाली, उसका रिव्यू किया था, उसमें भी मैंने ये कहा था मोस्ट रिलायबल गाड़ी तो है ये, मानना पड़ेगा, वो ये भी है, ठीक है, अच्छी बातें हो रही हैं। तो उसमें टायर जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, योकोहामा के एडवान DB पता नहीं क्या बोलते हैं वो नाम है, और क्या है, AC की चिलिंग बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा बेहतरीन, मैं तो ऑटो पे रख के 25 पे चला रहा हूँ, खुद ही मेंटेन करता है रूम टेम्परेचर को। और इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, लेकिन जाम शोरों में मुझसे दो जगह गाड़ी का साइलेंसर नीचे से चुमिया मार जाता है, ऐसे करके यारिस ऐसे नहीं लगती, हालांकि बम्पी सस्पेंशन है, पर फिर भी सस्पेंशन भी सॉफ्ट है, क्योंकि अच्छी बातें हो रही हैं, सस्पेंशन भी सॉफ्ट है। और डिज़ाइन गाड़ी का मुझे बहुत अच्छा लगा, बाहर से अंदर से बेहतरीन मुझे लगी गाड़ी। और अब हम आ जाते हैं इसमें जो मुझे बुरी चीज़ें लगी भाई, बुरी चीज़ें सबसे पहले ये कि हाई स्पीड पे गाड़ी का ग्रिप नहीं है बिल्कुल भी, ना बिल्कुल भी ग्रिप नहीं है गाड़ी में, बड़ी स्पीड पे चले जाओ गाड़ी पता नहीं क्या हो रहा होता है, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता, बस आपको रोड नज़र आ रहा होता है और पूरी गाड़ी ऐसे 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 हो रही होती है समझ से पार।
टायरों पे आ जाते हैं तो इम्पोर्टेंट सही है, लेकिन शोर बहुत है टायरों में, किसी से हम कंपेयर नहीं कर रहा, शोर बहुत है गाड़ी में, टायरों में। गाड़ी चली अभी 10,000 है, वो ओरिजिनल 10,000 चली हुई, और टायरों में मज़ा नहीं है। मतलब जो है ना, वो एक तो वो रोड नॉइस बहुत ज़्यादा है, दूसरा है कि टायरों का भी कसूर नहीं है, टायर का जो प्रोफाइल है वो 55 है। अब टायर की जो जितनी प्रोफाइल कम होगी उतना गाड़ी हार्ड होगी, स्पोर्टी, मतलब स्पोर्टीनेस उसमें होता है, ग्रिप भी ज़्यादा होगी, लेकिन इधर सीन ही तीसरा चल रहा है। चलो प्रोफाइल आपने कम की है कंपनी वालों, तो ग्रिप तो हो ना गाड़ी में, ग्रिप है ही नहीं। बड़ी स्पीड पे, हल्की स्पीड पे तो ठीक है, बड़ी स्पीड पे बिल्कुल भी ग्रिप नहीं है। और इतना बड़ा इंजन दे दिया इसमें, 1840 या 138 शायद हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जहाज गाड़ी है, लेकिन ग्रिप है ही नहीं। तो ऐसे जहाज को हम क्या करें, तो जहाज को रोकना भी होता है, अच्छा रोकना होता है तो फिर ब्रेक भी मुझे मजे वाली इतनी खास इसकी नहीं लगी, मतलब सही है, इतनी कोई खास नहीं है। मुझे ब्लॉक कह रहे थे आप चेक कराओ, मैंने सब चेक करा लिया, ऐसी है इसकी ब्रेक है, मुझे मज़ा नहीं आया इसकी ब्रेक में। जितना पावरफुल इंजन है, जितनी गाड़ी भागती है, उतना इसकी ब्रेक में मज़ा नहीं है। ग्रिप हैंडलिंग तो मैंने आपको बताया गाड़ी में मज़े वाली नहीं है बिल्कुल भी। मतलब यूं कहें कि मैं तो कहता हूँ भाई, आप भले कुछ भी मुझे कहो, गलत कहो सही कहो, मेरा खुद का ओपिनियन है, मेरे चलाइए गाड़ी, नूरियाबाद भी गया था, शहदादपुर आया हूँ, अभी हैदराबाद जा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी इसकी जो है ग्रिप में मज़ा नहीं आया, ये मेरा ओपिनियन है। फ्यूल एवरेज की बात करें तो मैंने भी नापा नहीं है, लेकिन 12.8 से 13.5 के बीच में ये कंबाइन में जाती है, लोकल और सिटी में ऐसे दे रही है। मीटर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नापा नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बताया, हल्की सी इसमें लग जाती है कभी कभी। लाइटें लो बीम कर लो यार, लाइटें वीडियो में अच्छी नज़र आ रही है, देखो वीडियो में बेहतरीन नज़र आ रही है, पर वो इतना थ्रू नहीं है अगर आप रियल में देखेंगे ना। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था, टायरों के बारे में मैं कह रहा था कि शोर जो है अंदर आता है, अभी 80 पे चल रही तो शोर बाहर से जो आ रहा है वो थोड़ा ज़्यादा है, मेरे हिसाब से मुझे ज़्यादा लग रहा है। दूसरा है कि गाड़ी हार्ड बहुत है सस्पेंशन में ना, वैसे सॉफ्ट है बहुत, पर ये जो आते हैं ना ये वाटर वाले जो ये जंप, इन्हों में गाड़ी ऐसा मतलब करती है कि मतलब आपको क्या बताऊँ, ये चीज कर लिया ना, लो बीम, आपको भी लो बीम कराना हो ऐसे कराओ, अगर नहीं अगला करता तो बस फिर कर, आप ही खींच के रखो काम को, क्या करें। ऑटो हेडलाइट का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन आप गाड़ी जब बंद करेंगे ना तो बंद करने के बाद दरवाज़ा जैसे ओपन करेंगे गाड़ी की लाइटें खुद ही बंद हो जाएंगी। उस दिन वजाद भाई के सामने मेरी बेइज्जती होगी, उनके पास स्विफ्ट है नहीं वाली, उन्होंने बोला ऑटो हेडलाइट है मेरे पास, तेरे पास नहीं है। मैंने कहा यार वाकई यार मेरे को पता था नहीं, बाद में जाके देखा तो जब लाइटें छोड़ दी मैंने, दरवाजा जैसे बंद की खोला ना मैंने, लाइटें खुद ही बंद हो गई। मैंने कहा ये शशका है भाई इसमें। अच्छा हाँ, टायरों के बारे में कह रहा था, एक तो नॉइस है, दूसरा है कि एक प्रोफाइल कंपनी ने कम दे दी, ठीक है। अब कम प्रोफाइल में होता ये है कि अगर आपको बताओ तो जितनी प्रोफाइल टायर की कम होगी ना, प्रोफाइल क्या होती है, एक तो होता है 205 विड्थ होती है टायर की, उसका 55% 60% टायर की वॉल होती है, जो मुंह ऐसा मुंह हम देखते हैं टायर का, तो उसका है 55% है, तो वैसे जो होता है गाड़ियों का वो होता है तकरीबन 60-65, जैसे मेरी यारिस है उसमें 65 है, तो जितना ज़्यादा होगा 65-70 होगा वो उतना गाड़ी कंफर्ट होगी, जितना कम होगा उतना गाड़ी की ग्रिप ज़्यादा होगी और स्पोर्टीनेस ज़्यादा होगी, हार्ड होगा, मतलब सस्पेंशन हार्ड हो जाएगा उसकी वजह से। तो यहाँ सीन उल्टा है, हार्ड तो है, चलो वो टायर की वजह से हार्ड तो है, लेकिन सस्पेंशन जो है वो हार्ड है और ग्रिप नहीं है गाड़ी में, बड़ी स्पीड पे जो है ना गाड़ी बिल्कुल भी मज़ा नहीं करती, पता नहीं क्या सिस्टम है इसका। और आपको उस गाड़ी के बारे में क्या बताऊँ, मैं वही बातें करूँगा जो रिव्यू में मैं करता हूँ। फीचर मुझे बहुत अच्छे लगे इसके, मतलब ये जो डिज़ाइन है लग्जरी एक फील देता है ये वाला, और स्पोर्ट मोड है इसके अंदर, वो तो मैं यूज़ ही नहीं करता, मतलब मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं होती यूज़ करने की, पेडल शिफ्टर यूज़ करता हूँ। देखिए इसको मैं करता हूँ, यहाँ से मैनुअल हो जाएगा खुद ही, 5 पे चल रहा है, 4-3 अभी पाँव रखेंगे, देखना सेकंड कर दिया, 4 है भाई 4। चलो ऑटो हो जाओ, 4 स्पोर्ट्स यूज करने की कोई मतलब नीड ही नहीं होती आपको। साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतरीन मुझे अच्छी लगी, ज़्यादा आवाज़ पे फटते हैं स्पीकर, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा डिसेंट है, और गाड़ी की लुक भी बहुत ज़्यादा डिसेंट है, कंपनी ने जो एक्स बम्पर दिया था बहुत ज़्यादा अच्छा था। और आपको क्या बताऊँ, डिस्प्ले में बस ये, अच्छा डिजिटल मीटर इसमें नहीं है,
बहुत ही बुरी बात इसमें जो है ना, इको इंडिकेटर वगैरह और ये आफ्टर स्टार्ट और रेंज बता रही है और एवरेज बता रही है, करंट नो मैसेज सेटिंग, बाकी डिजिटल मीटर होता ना, मतलब डिजिटल यहाँ पे लिखा हुआ होता ना बीच में कि भाई गाड़ी अभी 80 पे चल रही है या 100 पे चल रही है, तो बेहतरीन होता, मुझे मेरी फेवरेट चीज़ होती है। अच्छा, मजे की बात ये कि पूरी गाड़ी का रूम जो है ब्लैक है, क्योंकि ब्लैक रूम वाली गाड़ी है, छत और ये जो पिलर है साइड वाले, ये वाला आप देखे तो वो है ग्रे कलर का, छत भी पूरी ग्रे। अबे भाई पूरी ब्लैक देते ना यार, जब दिया है ब्लैक रूम तो मजा तो पूरा दो ना, ये क्या सीन है उल्टा सिस्टम। भाई ये भी गाड़ी 100 पे चल रही है, ठीक है, आप आवाज बाहर की सुन सकते हैं टायरों की कितनी नॉइस है, ठीक है। अच्छा, प्राइस रेंज की बात करें, टायर भी इतने पैसों में गाड़ी लेनी चाहिए, वर्थ इट है नहीं है क्या है आपने रखी है? भाई देखो रिलायबल तो है, कौन कहेगा कि मेरी गाड़ी कोई भी एक्स वाई जेड गाड़ी मैं लूँ फिर उसमें कोई मसला है, फिर मैं कंपनी के पीछे भागता रहूँ, तो उस हिसाब से लेनी चाहिए बिल्कुल। उससे पूछेंगे भाई देखो बिल्कुल क्लियर चिट्टा आप सुन लो, नीट एंड क्लीन मेरी वॉइस सुन लो, मुझे कोरोला पसंद नहीं है, सही है, शुरू से ही पसंद नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की कि आप ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ अपना, मैं अगर जाऊँगा तो सिविक पे जाऊँगा, मैं मुंह दे दूँगा उसको, अगर उसका कोई मसला मसाइल कोई आया भी मेरे पास अल्लाह का शुक्र है 3-4 जो भी गाड़ियाँ आई हैं मेरा, तो जाहिर मैं लेता हूँ बेचता हूँ, तो उनमें तो अल्लाह का शुक्र है कोई इशू नहीं आया। बाकी ये 18 भी ली थी मैंने 20 भी ली थी, 21 भी ली थी, तो उसमें तो कोई इशू नहीं आया था मेरे पास, तो मैं तो उस पर ही जाऊँगा क्योंकि दिल के करीब है वो गाड़ी मेरे। बाकी आपको मैं बोलता हूँ कि वर्थ इट है गाड़ी, सही, मैं नहीं लूँगा क्योंकि मैंने आपको अपने आप क्लियर बता दिया, सही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और अभी बस वहाँ जाऊँगा हैदराबाद और वहाँ पे बस गाड़ी डिलीवर करनी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, व्लॉग प्लस रिव्यू, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक भी कीजिए।